हेलो फ्रेंड्स, पिया टेक्निकल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पोको F1 के लिए आज MIUI 10 का एक लेटेस्ट स्टेबल अपडेट रोल आउट हुआ है और ये मुझे मिला है दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में। इसका वर्जन आप देख लीजिए MIUI 10.3.5.0 और इसका साइज़ है 387 MB। दोस्तों, ये अपडेट जैसे ही मुझे दिखा अबाउट सेक्शन में, मैंने इसे अपडेट कर लिया और यहीं पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं फ़ोन की सेटिंग्स में, अबाउट फ़ोन में, सिस्टम अपडेट में। यहाँ देख लीजिए मेरा फ़ोन MIUI 10.3.5.0 में अपडेटेड है। और दोस्तों, आप चलते हैं इसके चेंज लॉग में। चेंज लॉग के लिए यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, व्हाट्स न्यू में जाएंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए चेंज लॉग, इसमें आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं, यानी 4 सेक्शंस के अंदर ये अपडेट पुश किया गया है। सबसे पहला है, इसमें आपको मे का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जून का अभी भी नहीं मिला है। और आपको ध्यान हो तो पिछला अपडेट था मार्च का, यानी अप्रैल का सिक्योरिटी पैच इन्होंने स्किप कर दिया है। यहाँ पे सेकंड चीज़ आपको मिलती है लॉक स्क्रीन स्टेटस बार और नोटिफिकेशन शेड में। यहाँ पे आपको वही लॉक स्क्रीन क्लॉक का फॉर्मेट मिलता है जो कि आपको अभी अभी रेडमी नोट 7 प्रो में भी मिला है। उसमें 3 लेआउट्स हैं जिसमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला फिक्स दिया गया है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है सॉर्टिंग प्रिंसिपल फॉर वाईफाई नेटवर्क्स। तो यहाँ पे कुछ वाईफाई नेटवर्क्स के प्रिंसिपल थे सॉर्टिंग्स के, उसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया है इन्होंने। दोस्तों, अगला आपको फिक्स मिलता है सिक्योरिटी के अंदर और यहाँ पे दिया गया है ड्यूल ऐप्स डिसअपीयर्ड आफ्टर अ रीबूट। तो जो भी लोग ड्यूल ऐप्स यूज़ कर रहे थे, अगर वो अपने फ़ोन को रीबूट करते थे तो उसके बाद उनकी जो सेकेंडरी ऐप थी वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाती थी, तो उस इशू को इसमें फिक्स कर दिया गया है और अब आपको कोई भी इशू नहीं होगा ड्यूल ऐप्स यूज़ करने में। दोस्तों, अब यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको फर्स्ट मे का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिल जाता है और यहाँ पे MIUI वर्जन है MIUI 10.3.5.0। अब चलते हैं सेटिंग्स में, यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में। यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में अंदर एंटर होने के बाद नीचे जाना है एडवांस सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट। पहला है सेंटर्ड, दूसरा है लेफ्ट अलाइंड और तीसरा है वर्टिकल। तो ये यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपकी लॉक स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। बाकी दोस्तों, कोई भी नया चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है इस अपडेट में। दोस्तों, अब मैं आपको इस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस अपडेट के बाद इस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट कैसा है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मैंने कुछ ऐप्स ओपन कर रखे हैं और इतनी ऐप्स को ओपन करने के बाद जो आपको फ्री रैम मिलती है 6 GB में से, वो देख लीजिए 3.6 GB रैम अभी फ्री है 6 GB में से। तो यहाँ पर हम चलते हैं क्रोम के ऊपर, तो आप देख सकते हैं जहाँ पर ओपन किया था वहीं पर ओपन हुआ है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, मिंत्रा, अमेज़ॉन। तो आपने देखा दोस्तों कि मैंने जो ऐप्स ओपन करी अभी, रीलोडिंग काफ़ी फास्ट थी और बहुत कम केसेस में आपको रिफ्रेश देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा हो सकता है जब आपका बैकग्राउंड में जो ऐप है वो 15 मिनट से ज़्यादा टाइम से ओपन है, तो आपको रीलोडिंग देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे इस फ़ोन का साउंड टेस्ट भी करा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फुल वॉल्यूम है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं साउंड भी अच्छा है और साथ ही रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है इस अपडेट के बाद। दोस्तों, अब चलते हैं इसके कैमरे के अंदर।
कैमरे की परफॉर्मेंस दोस्तों मैंने थोड़ी सी चेक करी है और वैसी की वैसी परफॉर्मेंस आपको मिलती है जैसे पहले अपडेट में आपको मिलती थी, किसी प्रकार की कोई शिकायत आपको नहीं होगी। बट दोस्तों जब आप एक मोड से दूसरे मोड पे स्विच करेंगे कैमरा ऐप के अंदर तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, बट ये Redmi Note 7 Pro जैसा नहीं है, उससे ये फास्ट है काफ़ी। और फोटो जब आप क्लिक करते हैं तो शटर स्पीड भी काफ़ी फास्ट है। बाकी दोस्तों पोर्ट्रेट मोड पहले की तरह ही अच्छा है, नाइट मोड भी पहले की तरह अच्छा है, कोई शिकायत आपको नहीं होगी। वीडियो के अंदर जब आप जाते हैं सेटिंग्स में तो यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी 4K 30 और 60 FPS दोनों मिल ही जाता है। तो दोस्तों कैमरे के अंदर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। बैटरी बैकअप दोस्तों मैंने फुली चेक नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत इस पर मैंने गेमिंग करी है तो गेमिंग परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है और बैटरी परफॉर्मेंस मुझे उम्मीद है कि पहले जैसी ही अच्छी रहेगी, क्योंकि पिछले अपडेट में भी मुझे बैटरी से रिलेटेड कोई इशू नहीं था। अगर कुछ कमी मुझे मिलती है तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर से इसके बारे में बता दूंगा। अगर दोस्तों आपको ये अपडेट नहीं मिला है या फिर आपने नहीं चेक किया है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके, अबाउट सेक्शन में जाके, सिस्टम अपडेट में जाके चेक कर लीजिए। और अगर आपको अपडेट मिल जाता है तो इसे ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बेटर चीज़ें मिलती हैं। और दोस्तों अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो निराश होने की बात नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ये अपडेट सभी पोको यूज़र्स को दिया जा रहा है और आपको भी जल्द ही ये रिसीव हो जाएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे ज़रूर से बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।